ओके तो आज की वीडियो में हम लोग पाइप हीटर के टूल्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा टूल्स का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो ये हमारा जो है ये मेजरिंग टेप है, इससे हम लोग किसी चीज का लंबाई मापने में करते हैं। जैसे अगर इस एल्बो से फ्लांज के बीच की दूरी मापना हो तो इसको सेंटर से यहाँ से इसके सेंटर से ये ऐसे इसको लंबाई माप सकते हैं। ये mm, इंच, फीट, मीटर सब में माप सकता है। अगला टूल हमारा हैमर है, इससे हम लोग कोई भी चीज तोड़ने इस्तेमाल करते हैं। ये कारपेंटर हैमर इसको बोला जाता है, इसे हम लोग कील वगैरह अगर कहीं है तो उसको उखाड़ने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये चिपिंग हैमर है, जब वेल्डिंग करते हैं हम लोग ऊपर जो फ्लक्स लगा रहता है उसको हम लोग क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला टूल्स ये फाइल है, जिसको हम लोग रेती भी बोलते हैं हिंदी में। ये हाफ राउंड फाइल है, आधा राउंड है और आधा फ्लैट है। ये फ्लैट फाइल है, ये चारों तरफ से फ्लैट है। ये ट्रिग्नल फाइल है, ये हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल के आकार का इसका शेप है। इसका इस्तेमाल हम लोग ये इसके एज को बराबर करने में करते हैं, और ये जो हाफ राउंड वाला फाइल है इसे हम लोग अंदर के आईडी को क्लीन करने के लिए करते हैं। अगला जो टूल्स है ये लेवल है, ये स्प्रिट लेवल है। इसमें हम लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मापने के लिए ये वाला पाइप है, इसको हॉरिजॉन्टली चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है। तो ये इसमें एक बबल है, इसको पूरे बीच में किया जाता है। ये पाइप इस पे रख देंगे और इसको जिधर अप डाउन है उसको जैक टाइप का स्क्रू जो है, जो जैक टाइप का हमारा स्टैंड बना हुआ है, इससे हम लोग अप एंड डाउन करके लेवल कर सकते हैं। अगर कोई वर्टिकल पाइप है तो इसको हम लोग ये वाला बबल्स को सेंटर में करके इसको हम लोग पूरा वर्टिकल कर सकते हैं। इसमें 45 डिग्री का भी एक लेवल लगा हुआ है, अगर 45 डिग्री में कोई पाइपलाइन है तो उसको भी हम लोग इसे चेक कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम लोग ये वाटर लेवल है, इसमें हम लोग पानी भर देते हैं। और लंबा दूरी को अगर लेवल करना है तो एक छोर उधर रहेगा, दूसरा इधर रहेगा, और पाइप का जो लेवल रहेगा उस पर हम लोग मार्किंग करके बराबर लेवल को मार्क कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर पंच है, इसका इस्तेमाल अगर हम लोग को कहीं मार्क करना है, कहीं सेंटर को पॉइंट को मार्क करना है तो इसको रख के और हैमर से ठोक के इसको हम लोग जैसे यहाँ पे रख के और इसको ठोक के इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, वहां पे निशान बन जाता है। अगर हमको वहां पे ड्रिल करना है तो इस ड्रिल मशीन की मदद से वहां पे आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। अगर ये सेंटर पंच हम लोग नहीं मारेंगे तो हमारा जो ड्रिल मशीन है वो पूरा फिक्स एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं होगा, वो हिल जाएगा इधर उधर। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद ये है नंबर पंच, ये भी सेंटर पंच की तरह ही है। सिर्फ इसमें अंतर ये है कि इस पे नंबर लिखा हुआ है। जैसे इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये 7 नंबर लिखा हुआ है। जब हम लोग इसको हैमर से इस पे मारेंगे तो नीचे 7 नंबर लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक लेटर पंच भी आता है, उस पे ABCD लिखा रहता है। उससे अगर हम लोग को कुछ नाम लिखना है, कुछ पाइप का नाम लिखना है, तो उससे हम लोग ऐसे ही ठोक के और वो नाम हम लोग उस पाइप पे लिख सकते हैं। ये होल पंच है, इसका इस्तेमाल हम लोग होल करने में करते हैं। आप देखे होंगे जो आटा चक्की होता है उसमें जो आटा चक्की में जो पट्टा लगा रहता है उस पे उसको जो ज्वाइंट करने के लिए होल करके उसको बोल्टिंग करके उसको टाइट किया जाता है। तो उसमें जो होल किया जाता है वो इससे किया जाता है, यहाँ पे होल बना हुआ है। और जब हम लोग इसको हैमर से मारेंगे तो वो होल कट जाएगा और उसका जो कटिंग का मटेरियल होगा यहाँ पे निकला हुआ, इसका रास्ता बना हुआ है, यहाँ से आके वो बाहर निकल जाएगा। ये जो है इसको हम लोग प्लम बोलते हैं, और आम बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको साहोल भी बोलते हैं। ये अगर वर्टिकल कोई पाइपलाइन है, कोई भी आइटम वर्टिकल है उसको चेक करना है तो इसको ऐसे लगा देंगे और मेजरिंग टेप से उस आइटम में जैसे कि अगर इसको चेक करना है तो यहाँ पे और इसके नीचे वाले भाग पे टेस्ट करेंगे। अगर दोनों जगह इसका दूरी ये बराबर है तो हम लोग मानेंगे कि ये वर्टिकल ये पाइपलाइन हमारा गया हुआ है, ठीक है।
तो ये वर्टिकल का वर्टिकल चेक करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टूल्स है। लाइन डोरी भी एक पाइप हीटर का टूल्स है। ये लाइन डोरी है जिसका इस्तेमाल हम लोग अगर दो पाइप को लाइन को जोड़ रहे हैं तो पाइप के ऊपर रख के और इसको देखा जा सकता है कि दोनों पाइप के बीच का डिस्टेंस देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये पाइप सीधा जुड़ रहा है। ये चौक लाइन है, इसे हम लोग मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पे पाइप लाइन पे कोई भी अगर मार्किंग करना है कटिंग के लिए तो करते हैं। एक बात याद रखिए, ये जो हम लोग सेंटर पंच अभी बताए थे, ये जो है कहीं भी अगर हम लोग मार्किंग कर दिए तो उस मार्किंग पे हर 10 mm दूरी पे सेंटर पंच मारना होता है, ताकि कटिंग के वक्त में अगर हमारा मार्किंग मिट भी जाए तो सेंटर पंच का मार्किंग दिखाई दे और उसको हम लोग करेक्ट कटिंग कर सके। ये हेक्सा फ्रेम है और ये इस पे ब्लेड लगा हुआ है जिसको हेक्सा ब्लेड बोलते हैं। इससे हम लोग कोई भी चीज को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी काम के लिए एक पावर टूल्स भी आता है जिसको हम लोग जिग्सा बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिक से चलने वाला है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग कटिंग करने के लिए ही करते हैं। ये राइट एंगल है, ये अगर कोई भी चीज है अगर ये बना हुआ है हमको तो इसको हम लोग को चेक करना है कि पूरा राइट एंगल में ये पाइप कटिंग हुआ है नहीं हुआ है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ये इससे हम लोग करते हैं। ये यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को इस प्लेट पे सटा देंगे और इस वाले पार्ट को हम लोग इसके सरफेस पे सटाएंगे, ठीक है। और इसको हम लोग देखेंगे अगर ये दोनों जगह टच कर जा रहा है एक साथ और साथ में ये वाला किनारा भी सटा हुआ है, मतलब ये सही है, ठीक है। ये अलग अलग साइज में आता है, 6 इंच, 12 इंच और ये 24 इंच में भी आता है। इसके भी स्केल बना हुआ है, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग नापी में कर सकते हैं। ये प्लायर है, इसका इस्तेमाल हम लोग किसी चीज को पकड़ने में करते हैं। अगर नट बोल्ट खोलना है तो अगर उसको भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा यूज है, कई कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें है, आम बोलचाल के भाषा में उसको हम लोग छेनी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज को कटिंग करना है, अगर कोई मेटल पार्ट को काट के हटाना है तो ये आसानी से हैमर की मदद से इसको काट के हटाया जा सकता है। ये स्पैनर है, ठीक है, ये बोल्ट को खोलने या टाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये रिंग स्पैनर है, ये रिंग टाइप का बना हुआ है इसके दोनों स्पैनर। तो इस पे एक नंबर लिखा होता है, 19 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर। ये जो नंबर है सिंपल, वो जो बोल्ट है हमारा उसका ओडी है, यानी कि अगर ये ओपन रिंच है, ये इसको हम लोग ओपन स्पैनर बोलते हैं। तो इसका जो ये वाला पार्ट है, जो इसका चौड़ाई है, ये अगर 19 नंबर का रिंच है हमारे पास तो इसका चौड़ाई 19 mm का होता है। ये एडजस्टेबल रिंच है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग साइज के नट को बोल्ट को खोलने में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसी वजह से इसका नाम एडजस्टेबल रिंच है। ये जो है ये स्क्रू स्पैनर है, ये फोरहेड और फ्लैट हेड का आता है, इससे हम लोग स्क्रू को खोलने या टाइट करने के लिए करते हैं। ये कटर है, अगर वायर वगैरह काटना हो तो इससे हम लोग कटिंग करने का काम करते हैं। ये जो टूल्स है ये सी क्लैंप है, इसको क्या कहते हैं, अगर किसी चीज को पकड़ना है कटिंग करने के लिए या ग्राइंडिंग करने के लिए, तो ये हम लोग ये जो हमारा ये अगर ये टेबल के नीचे इस वाले पार्ट को टेबल के नीचे लगा देंगे और इस वाले पार्ट को जो हमको पकड़ना है जिस आइटम को उसके ऊपर लगा के इसको हम लोग टाइट कर सकते हैं। ये जो हैंडल लगा हुआ है इससे हम लोग इसको टाइट कर सकते हैं। ये काटा ब्रश है, ये क्या करते हैं हम लोग जब कभी जहां भी वेल्डिंग करते हैं और वहां पे फ्लक्स लग जाता है तो चिपिंग हैमर की मदद से उसको हम लोग क्लीन करते हैं, और उसके बावजूद भी बहुत सारा डस्ट पार्टिकल रह जाता है जिसको हम लोग इस वायर ब्रश की मदद से उसको हम लोग क्लीन करते हैं। ये पाइप रिंच है, अगर किसी पाइप को पकड़ना है, पाइप को स्थिर रखना है या फिर उसको घुमा देना है, उसको खोलना है, उसको टाइट करना है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसकी खासियत है कि ये पाइप को आसानी से पकड़ लेता है, वो फिसलने नहीं देता है। ओके, तो ये जो टूल्स है हम लोग इससे हम लोग पाइप का आईडी मापते हैं। आईडी मतलब ये वाला क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे और पाइप के अंदर इसको हम लोग ले जाके इसको पूरा सेंटर में इसको सटाएंगे।
और ये जब हमको मिल जाएगा तो ये जो मेजरिंग टेप है इसके मदद से हम लोग इसको माप के और इसको हम लोग बता सकते हैं कि पाइप का आईडी क्या है। ये जो हमारे पास टूल्स है इससे हम लोग पाइप का ओडी मापते हैं। इसको क्या करेंगे, ये वाला पाइप को इस पे इसे फंसाएंगे, ये इतना टाइट रखेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और लूज भी ना हो, ठीक है। और जब हम इसको फिट कर लेंगे इस पे, ऐसे इसको हम लोग फिट कर लेंगे तो इसका साइज जो है हम लोग मेजरिंग टेप से एक जगह इसको स्थिर रख के और मेजरिंग टेप से इसको हम लोग माप के और बता सकते हैं कि ये कितना इसका ओडी है। ये जो है ये डिवाइडर है, अगर दो लंबाई को डिवाइड करना है, ये डिवाइडर भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। अगर दो लंबाई को डिवाइड करना है तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर राउंड शेप का मार्किंग करना है तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये भी डिवाइडर ही है, ये बड़ा साइज का है, इससे हम लोग राउंड शेप का मार्किंग कर सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं इससे।